आ रहा है, इसको आप लोग इजीली आउटडोर लेके फिर सकते हैं। मुनीब भाई थोड़ा सा दूर जाएं जरा, ताकि मैं दिखा दूं कि ये बिल्कुल आउटडोर में है। यहाँ पर जहाँ पर बिठाया है वहीं पे बैठा हुआ है, दाएं बाएं कहीं पे नहीं जा रहा, यानी कि फुली टेम्ड है, लेकिन ये फ्लाइंग टेम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। हर बार की तरह भाईजान आपका भाई ले आया है फिर से यूनिक चीजें। हम लोग आए हैं कराची में मुनीब भाई के पास, और जिस तरह से हम डेविड भाई के पास गए थे वो हमें कह रहे थे कि आप लोग जंगली बर्ड लेके भी उसको भी फ्री फ्लाइट ट्रेन कर सकते हैं, तो उनका तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा था। बट हम लोग आपको टेम बर्ड्स दिखा रहे हैं, ये फ्री फ्लाइट टेम तो नहीं है, बट इनको किया जा सकता है उनके मुताबिक। और अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो हम आपको बताएंगे कि आपको इस तरह के बर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, किन के पास हैं। हम लोग फिलहाल हैं मुनीब भाई के पास, अभी खड़े हैं हम लोग आउटडोर में। और अगर आप लोग मेरे पास बर्ड देखें जिनके नाखून बहुत तेज हैं, लेकिन बर्ड्स कितने रिलैक्स हैं। ये मेरे हाथ में ब्लू एंड गोल्ड मकाओ है, ये मेरे लेफ्ट हैंड में है टाइट्रॉन काकाडू, जो कि अपना ताज हिला के बड़ा अच्छा से डांस करता है। तो अभी हम लोग चलते हैं मुनीब भाई की तरफ। और चौधरी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुनीब भाई सारे बर्ड्स आपके पास टेम्ड ही होते हैं? जी सब टेम्ड बर्ड्स होते हैं, सब के सब टेम्ड होते हैं। अच्छा, ये अभी हमें ब्लू एंड गोल्ड नजर आ रहा है जी, इसको अगर स्टिक पे एक मिनट के लिए बिठा दें। अभी आपको दोस्तों बताते चलें कि जो ये ब्लू एंड गोल्ड आपको नजर आ रहा है, इसको आप लोग इजीली आउटडोर लेके फिर सकते हैं। मुनीब भाई थोड़ा सा दूर जाएं जरा, ताकि मैं दिखा दूं कि ये बिल्कुल आउटडोर में है। यहाँ पर जहाँ पर बिठाया है वहीं पे बैठा हुआ है, दाएं बाएं कहीं पे नहीं जा रहा, यानी कि फुली टेम्ड है, लेकिन ये फ्लाइंग टेम नहीं है। ऐसे ना फ्री फ्लाइंग टेम नहीं है, बट ये हैंड टेम्ड है। मुनीब भाई वापस इसको अपने हाथ पे लें। कौन कौन से मिलेंगे बर्ड्स आपसे? मेरे पास आपको सारे बिग बर्ड्स मिल जाएंगे, जिसमें मकाउस, काकाटूस, ग्रे पैरेट, सन कनोर, अमेज़न, लॉरी, और सब के सब टेम्ड। सारे टेम्ड। इसको भी यहाँ पे बैठाएं जरा, बैठते हैं। उस पे तो मुझे बहुत भरोसा हो गया, तो इसको भी अभी चेक करते हैं। ये आपके से ज्यादा ही कुछ अटैच है जी, ये डर रहा है। इसको आप लगता है उसको आप कह रहे हैं मैं साथ लेके फिरता हूँ, इसको लाते नहीं बाहर आप? हाँ, इसको बाहर लेके नहीं आता। ठीक है, इसका नाम क्या है? ये टाइट्रॉन काकाटू। टाइट्रॉन काकाटू, वैसे इसका कोई प्यार से नाम रखा हुआ है कि नहीं? वैसे इसका नाम रखा हुआ है मैंने शहरी। शहरी, ए शहरी बाबू क्या हालचाल है? सो शहरी डांस डूस भी करता है कि नहीं? करते क्यों नहीं, यानी तो चीख मारते हैं, गर्दन के पर फुला लेते हैं, वो अपना क्रोन क्रोन जो है ऊपर उठा लेते हैं। एक्साइटेड मूड में होते हैं तो फिर ये ऐसे ही। अभी ये बाहर आके घबरा गया, लेकिन वो बड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। इसके साथ जोड़ीदार भी है? बिल्कुल, इसके साथ इसकी फीमेल है। इसके साथ सिंगली मेल है। क्या एज है इसकी? इसकी एज होगी तकरीबन 3 साल। इसकी एज 3 साल होगी। तो हम लोग फिर एक काम करते हैं ना, बाकी वाले भी दिखाते हैं। शहरी तो ये हो गया, दूसरा कौन सा है? ये रियो है। रियो, रियो शहरी बाहर आ गए हैं, बाकी हम लोग आपको इंडोर जाके दिखाते हैं। और इसके अलावा मुनीब भाई से अगर आप लोग बेहतरीन किस्म का शौक करना चाहते हैं, आगे विजिट करके देख के कहते हैं यार हम लोगों ने भी शौक करना है भाई, तो मुनीब भाई आपको बिल्कुल 110% शौक करवाएंगे। तो अभी चल के देखते हैं अंदर और क्या मिलता है। तो ये मुनीब भाई लेके आ रहे हैं अपने दोनों को, वो तो बड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। ब्लू एंड गोल्ड जो है ये थोड़ी मस्तियाँ कर रहा है, ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा फ्री हो रहा है। घर पे जा रहे हैं मुनीब भाई के, इस तरफ देखें जरा, इनमें बातें कौन से करता है? दोनों ही बोलते हैं। दोनों ही बोलते हैं यार, ऊपर वाला लो। तो अभी ये हम आ गए हैं इंडोर पे, मुनीब भाई का सेटअप है यहाँ पर। ये क्या है भाई? अम्ब्रेला काकाडू ना? अम्ब्रेला काकाडू। ये भी हैंड टेम्ड है? जी जी सर। बताएं जरा हाथ पे इसको, इसका नाम क्या है? इसका नाम अभी नहीं रखा मैंने, को प्यार प्यूर करें जरा। कितना एक फ्री है आपके साथ ये? ये फुल फ्री है। अच्छा, इनके हमें तो मतलब मुझे जैसे नाखून चुभ रहे हैं तो उनको ट्रिम कर सकते हैं नेल्स को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? आप नेल कटर से आप उसकी शार्पनेस कट कर सकते हैं। कितनी हद तक कर सकते हैं यहाँ पे बता सकते हैं इसका? कितनी हद तक कर सकते हैं हम? बस जो इसकी शार्पनेस होती है ना वो इसकी खत्म कर दें, वो कट कर दें तो बस फिर कॉर्नर्स को बस हटाना है, उसके बाद क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये शौक कितने साल से आप कर रहे हैं? ये शौक तकरीबन 8 साल से। 8 साल से यही बर्ड्स रखे हुए आपके? अच्छा, ये दाएं बाएं के घर बहुत करीब करीब हैं, तो दाएं बाएं के लोग कुछ कहते नहीं इसके शोर से? नॉर्मली घर में रखे जा सकते हैं ये? बिल्कुल, क्यों नहीं रखे जा सकते? आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी वैरायटीज हैं।
आपके पास काकाटूज हैं, एक पास एक वक्त में मकाउस भी हैं, दो काकाटूज भी हैं। आप भूल गए, आपके पास वो भी है, लाल मकाऊ भी है। ये कौन सा ग्रीन विंग मकाऊ? ये ग्रीन विंग मकाऊ कहलाता है। ये बहुत बड़ा साइज है इसका। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट मकाऊ कहलाता है। ये ब्रीड और ये ब्रीड डिफरेंट है जी? बिल्कुल दस बात है, दोनों मकाऊ ही, लेकिन दोनों के कलर्स का फर्क है और फेस के साइज का भी फर्क है। मतलब बिल्कुल इसी सेकंड लार्जेस्ट मकाऊ है वर्ल्ड। और ये वाला, ये आता है फोर्थ नंबर पे आता है। भाई इसका फेस बहुत बड़ा है, इसको तो देख के डर लग रहा है, शेव लग रहा है पूरा ये, और फेस सामने से फ्रंट से दिखा भी नहीं रहा। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से आपके पास पैरेट्स होते हैं? इसके अलावा मेरे पास एग्जॉटिक में सारे पैरेट्स ही आ जाते हैं, मकाउस, काकाटूस, अमेज़न, हर ब्रीड है आपके पास। सनकोनियोर भी आपको नजर आएंगे, जैसे पेयर मैंने रखा हुआ, ये सनकोनियोर इन्होंने रखा हुआ है। ये भी टेम्ड है? नहीं ये टेम नहीं है, ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा। ये ब्रीडिंग के लिए इन्होंने लगाया हुआ सनकोनियोर। इसका कलर बहुत ज्यादा खिल रहा है, ये एज की वजह से खिल रहा है इसका कलर, या फिर क्वालिटी का होता है फर्क इसमें? नहीं, जैसे जैसे इसमें एज में बड़ा होता जाता है उसका कलर शाइन होने लग जाता है। क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए आपके पास, तो जैसी बात है फिर बर्ड दिखता है। प्रॉपर आप उसकी डाइट मेंटेन रखें तो उस वजह से हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी उतने कलर भी उसके ब्राइट होते जाएंगे शार्प। इस तरफ आते हैं, ये कौन सा बर्ड है? ये येलो क्राउन अमेज़न का पेयर है। येलो क्राउन अमेज़न, ये मेल फीमेल है? जी मेल फीमेल। ये क्या है? मेल क्राउन, जिसका फेस आपकी तरफ है वो मेल है, और ये जो अभी फेस आपकी तरफ आया वो फीमेल। येलो क्राउन इसके हेड के ऊपर जो येलो शेड है उस वजह से? बिल्कुल येलो क्राउन इसी वजह से। अच्छा अच्छा, ये येलो क्राउन अमेज़न है भाईजान ये, और ये मेल और फीमेल है आपके सामने डबे में। अच्छा इस तरफ आ जाते हैं, ये भी वही चीज है अमेज़न ही? नहीं ये बिलो फ्रंट अमेज़न है। क्या फर्क है इनमें और उसमें? खाली ये हेड का फर्क है जी, इसमें हेड का भी फर्क है, और बेसिकली वो एक अलग चीज है, स्पीशी अलग है जी, बिल्कुल अलग म्यूटेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये डिफरेंट है, लेकिन आम बंदे को सेम लगेगा ना ये? बिल्कुल, साइज का थोड़ा सा डिफरेंस है इनका जी, वो थोड़ा बड़ा है जी, ये वाला थोड़ा छोटा है साइज में। और इसके सर के ऊपर अगर क्राउन इसका चेक करें तो ब्लू शेड है इसका, बिल्कुल ब्लू शेड है, बहुत खूबसूरत बर्ड है। अच्छा ये वाले टॉकिंग बर्ड्स होते हैं या ये वैसे ही बस? ये सब एग्जॉटिक में जितने भी बर्ड हैं सब टॉकिंग करते हैं, चाहे वो काउज हो, काकाटूज हो, ग्रे पैरेट हो, अमेज़न हो, ये सारे टॉकिंग बर्ड। अच्छा मुनीब भाई, साथ ही साथ बताते चलें, जुर्माना कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, एक आइडिया कि हर किसी का अलग अलग जुर्माना है? हर किसी का अलग अलग है। ये वाला ढाई तक का इसका शोक हो जाएगा अम्ब्रेला का, और इसका मेन चीज होती है ना सर के ऊपर पूरा क्राउन सा अपना वाइट निकालता है बड़ा प्यारा सा, और ये चीजों को फुला के डांस करता है, गोल गोल करता है घुमा के। तो जी ये थी हमारे मुनीब भाई की वीडियो। अगर कोई शोक करना चाहता है इस तरह के खूबसूरत बर्ड्स का, कहता है कि हम आके यहाँ पर देख के पसंद करके लेके चला जाते हैं, भाई हमारे बच्चे भी खेले इनके साथ, वो इनकी भी सेहत बने फले फूले, ये कोई ब्रीडिंग वगैरह की करवाना चाहता है जो कि ब्रीडर पेयर भी लग जाता है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सनकोनियोर देखा है, तो आप लोगों ने मुनीब भाई से 0331-37-384 पे मुनीब भाई से आपने रब्ता करना है, तो मुनीब भाई से रब्ते का जरिया आप लोगों को मिल गया। अच्छा अभी एक और चीज बता दूंगा, जो दोस्त करना चाहते हैं थोड़ा हल्का शौक, तो मुनीब भाई के पास खाली बड़े नहीं है, हम इस तरफ आ जाते हैं। मुनीब भाई ये पकड़े जरा प्लीज, ये भी दिखाएं कि इधर हमें गोल्डियन नजर आ रही है, गोल्डियन में कौन कौन सी होती है आपके पास? कॉमन गोल्डियन है, लोटिनो गोल्डियन है, जावा की सारी वैरायटीज मेरे पास मौजूद है, और बंगलाइश की सारी वैरायटी। जावा में मतलब फाउन भी है, सिल्वर भी है, ग्रे भी है, ग्रे भी है, और उसके अलावा कॉमन व्हाइट भी है मेरे पास, और फ्रिंचेस भी होती है कॉमन? नहीं कॉमन फ्रिंचेस मैं नहीं रखता, बंगलाइश तो होती है ना, छोटी वैरायटी होती है। तो अगर आप लोग और इस तरह की वीडियो मजीद देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान के कोने कोने में कहाँ पे हमारे इस तरह के भाई बैठे हुए हैं जो आप लोगों का ये शौक पूरा कराएंगे, जब भी आपने कोई भी चीज़ पसंद करनी है आपने खुद आके देख के तसल्ली करके चीज़ लेके जानी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि ढेर सारी इस तरह की मजीद वीडियोज आप लोग बना सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बिट्टू, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।